नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हूं जयजीत कपूर और आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारी चैनल रोशनजीत की दुनिया में। इस बार काफ़ी टाइम हो गया वीडियो डालने के लिए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आज मैं आया हूं आत्मज्योति आश्रम, जो कि वडोदरा का एक बहुत ही प्रसिद्ध विजिट करने लायक स्थल है। तो आइए देखते हैं यहाँ की विशेषताएँ और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ दी जाती हैं। तो ये है आश्रम का प्रवेश द्वार। ये वडोदरा का एक सुप्रसिद्ध आश्रम है। यहाँ काफ़ी सारे लोग श्रद्धा भाव से आते हैं। और यहाँ पे भगवान के दर्शन का लाभ लेते हैं और यहाँ पे मिलती हुई सेवाओं का लाभ भी उठाते हैं। ये है आश्रम की गौशाला। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जन कल्याण के विविध कार्य भी होते हैं। ये देखिए भोलेनाथ का मंदिर, यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं आप। ये शिवलिंग है और यहाँ से आगे बढ़ते हुए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी, और ये है बजरंगबली के दर्शन। और इस जगह पर पूजा हवन वगैरह भी होता है। इस आश्रम में दो हॉल भी है जहाँ पर योग प्रवचन वगैरह होता है समय समय पर। पूजा पाठ इत्यादि भी यहाँ पर होते हैं। यह है आश्रम का ऑफिस। इस आश्रम में आपको कानूनी सलाह मार्गदर्शन भी मुफ्त में दिया जाता है, इसकी भी सुविधा यहाँ पर है। यह है पूज्य शिवानंद शास्त्री जी महाराज की तस्वीर, जिनके द्वारा 1972 में इस आश्रम की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर होते हैं योगा के क्लासेस, भक्तों को योगा सीखने का भी यहाँ पर लाभ मिलता है। यहाँ पर आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी कम दामों में दी जाती है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वगैरह। और ये देखिए गौशाला में हर एक गाय के नाम भी रखे गए हैं। यहाँ पर निसहाय और विधवा महिलाओं के लिए हर महीने कुछ मुफ्त राशन की भी सुविधाएं दी जाती हैं। और ये है आश्रम परिसर पूरा। काफी शांत और सुकून की अनुभूति होती है आश्रम में जब भी आप आते हैं दर्शन करने। यहाँ ऊपर योगा क्लासेस चलते हैं जिसका आप सभी लाभ ले सकते हैं। उसके लिए आपको ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। आश्रम की ओर से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही किफ़ायती दामों में नोटबुक भी दी जाती है। मन को यहाँ पर आकर बहुत शांति मिलती है। और ये देखिए पानी पीने की व्यवस्था है यहाँ पर। यहाँ से आसपास के आने जाने वाले राहगीर भी आके पानी भर के ले जाते हैं। यहाँ से ऊपर और एक हॉल है जहाँ पर ध्यान एवं शिविर प्रवचन वगैरह होते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और एक हॉल यहाँ पर नीचे भी है।
ये उसकी डिटेल्स लगाई गई है। और ये हॉल के दूसरे द्वार पर कुछ स्टैचूज लगाए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे भक्तिभावपूर्ण लग रहे हैं। ये देखिए, और ये इस आश्रम की स्थापना के बारे में डिटेल में इस टाइल्स पर अंकित किया गया है। और ये ऑफिस में जरूरी नियम एवं सूचनाएं दी गई हैं इस आश्रम के बारे में, जो कि एक ट्रस्ट संचालित है। तो इस तरह से इस आत्मज्योति आश्रम के सामने ही एक मानव सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट है, अमृत भोजन सीएल शाह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा। यहाँ पर हर रोज शाम को गरीबों को भोजन की व्यवस्था दी जाती है। आइए नज़दीक से आपको मैं दिखा देता हूँ। ये गुजराती में लिखा है मानव सेवा फाउंडेशन अमृत भोजन सीएल शाह चैरिटेबल ट्रस्ट। ये देखिए, यहाँ पर उसकी डिटेल्स लिखी गई है गुजराती में। इसमें लिखा गया है हर रोज शाम को 6 से 7:30 में गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था है। फिर जनरल हॉस्पिटल में नए जन्मे हुए बालकों के लिए गोदड़ी यानी कि बिछाने की भी यहाँ पर वितरण व्यवस्था है। हर रोज शाम को फ्री में डॉक्टरी सारवार मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती है। हर 3 महीने में फ्री में सर्व रोग निदान कैंप भी चलाया जाता है। और गरीब बच्चों के लिए, मजदूर के बच्चों के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप भी दी जाती है पढ़ाई के लिए। ये देखिए, तो आश्रम से निकलते ही अब मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, जहाँ हमारे सबसे छोटे वाले चाचा जी को एडमिट किया है, तो मैं उनको मिलने जा रहा हूँ। ये हॉस्पिटल है गोत्री में, गोत्री जनरल हॉस्पिटल, जो कि एक मेडिकल कॉलेज है। और यहाँ पर ट्रीटमेंट काफ़ी किफ़ायती और मुफ्त में इलाज होता है ज़रूरतमंदों के लिए। काफ़ी बड़ा अस्पताल है ये, यहाँ पे हर तरह की ट्रीटमेंट फ्री में, ऑलमोस्ट फ्री में दी जाती है। तो आइए चलते हैं। ये है वो हॉस्पिटल, GMERS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गोत्री। काफ़ी साफ सुथरा है। ये देखिए पार्किंग की व्यवस्था। हाँ, लेकिन पार्किंग के आपको यहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं। इलाज यहाँ पर ऑलमोस्ट मुफ्त है, ऑलमोस्ट। ये देखिए, पेशेंट के रिलेटिव्स के लिए खाने पीने के लिए अरेंजमेंट किया है, बैठ के यहाँ पे खा सकते हैं। यहाँ पर व्हीकल पार्किंग की व्यवस्था है, इसके आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं। हमारे चाचा जी को 3rd फ्लोर पे सर्जिकल वार्ड मेल में एडमिट किया है, तो आइए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। ये देखिए अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरा हॉस्पिटल है ये।
और काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ पर मिलती है। डॉक्टर्स वगैरह भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे से आपके साथ बिहेव करते हैं। यहाँ पर है लिफ्ट की भी फैसिलिटी है पेशेंट के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए, लेकिन मैं लूँगा सीढ़ियाँ, मुझे थर्ड फ्लोर पे जाना है तो मैं सीढ़ी चढ़ के चला जाऊँगा। और ये है मधुमक्खी का छत्ता जो कि हमारी सोसाइटी में एक टावर पे लगा हुआ है और कुछ चिड़ियों के शानदार घोंसले। ये देखिए चिड़ियों ने खूबसूरत घोंसले बनाए हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।